फ्रेंड्स, स्वीटू के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने लखनऊ वाले घर पर और यहाँ पर मैं हूँ आज। मैंने आपको अपने एक वीडियो में पहले बताया था कि मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ, लेकिन स्विगी वाले आ गए। चिकन आ गया, अब हम लोग इसको मैरिनेट करके रखेंगे। चटनी बन चुकी है, आम की चटनी सबसे पहले तैयार हो चुकी है, अब हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो चिकन को मैरिनेट कर लिया है, ये देखिए इसमें चिकन में हमने मिलाया है नमक, हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल, ये मिला के अब इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बोला था कि मेरी दीदी बनाएगी चिकन झटपट, तो उसके लिए पहले मसाले की तैयारी कर ली है, जिसमें उसने काट के रखा है प्याज काटा है और टमाटर काट के रखा है, लहसुन अदरक ये सब अभी काट के रखा है, इसको फिर मिक्सी में पीसा जाएगा। तो ये देखिए झटपट चिकन के लिए मसाला पीस चुका है। तो चिकन झटपट बनाने के लिए हमने ऑयल गरम कर लिया है, लगभग 3 टेबलस्पून ये है ऑयल, ये कम तेल में ही बन जाता है झटपट चिकन। थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, 4-5 दाने चीनी के। हम मसाला डाल दिया, हम इसको अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। एक तरफ मसाला फ्राई हो रहा है और इस तरह पतीले में चावल का पानी गर्म हो रहा है, जिसमें हम स्टार्च निकाल कर चावल बनाते हैं, ये वो वाला चावल है। देखिए मसाले में अभी थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आने लगा है, अभी इसके कलर चेंज होने तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो ये देखिए मसाला
पास चुका है, इसलिए हमने हल्दी नमक और गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिला के इसे अच्छे से कस लिया। अभी ये थोड़ी देर और कसेगा जब तक और तेल ना निकल जाए। अब इसी मसाले में हमने चिकन जो मैरिनेट करके रखा था उसको इसमें ऐड कर दिया। पानी में जैसे उबाला गया उसमें हमने उसकी चावल जो धोकर उसको धो के रखा था चावल उसको हमने इसमें डाल दिया। तब हमने जो चिकन पूरा अच्छे से कस लिया था उसको हमने कढ़ाई से निकाल कर कुकर में रख लिया। अब इसको कुकर में स्टीम देंगे, इसको हम दो स्टीम आने तक पका लेंगे। ये देखिए मेरे भगवान जी सारे बैठे हैं और मेरे पापा जी बैठे हैं यहाँ पर। पापा जी को आके सबसे पहले हेलो हाय करती हूँ मैं और भगवान जी को प्रणाम करती हूँ कि मैं यहाँ पर आई हूँ और मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। तो पापा और मम्मी, पापा और मम्मी दोनों हमेशा अच्छे रहे, पापा जहाँ भी हैं वहाँ पर अच्छे से हैं और हमेशा वो मम्मी के लिए प्रे करते हैं मम्मी से। तो मम्मी ठीक रहे हमेशा। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरे बेटू का रूम है। मैंने बताया था वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, तो पढ़ते पढ़ते शायद उसे नींद आ गई है तो सोने लगा है। बेटू सो गए क्या? हाँ हाँ सो गए, नींद आ रही है। अच्छा, बहुत सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ रहा है तो थोड़ी नींद आ गई। अभी उसके एग्ज़ाम के बीच में गैपिंग है तो आराम से तैयारी कर रहा है। ये एग्ज़ाम ख़त्म होते होते उसके फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, उसकी तैयारी करनी है। टू ज़रा अपना मुंह तो दिखा दो, जाओ। इसके मम्मा ने बोला है कि नहा लो, लेकिन ये नहाता भी नहीं है, बोलता है मैं अभी नहीं नहाऊंगा। फ्रेंड्स आप लोग को पता है ये जो मेरा बेटू है ना, ये 5 दिन तक नहाता नहीं है, बस यहीं एसी चला के पड़ा रहता है, यहीं पे पढ़ता रहता है, यहीं पे खाता है, यहीं सोता है, सब यहीं है उसका। वो देखो उसके पास मेरे मुन्ना, मुन्ना इस बुड्ढे का नाम है, मुन्ना भी बैठा हुआ है अपने जोजो डॉगी के साथ। देखो ये देखिए, ये एक PS5 मंगा के रखा है, पता नहीं क्या गेमिंग खेलेंगे इसमें। ये देखिए मेरी मम्मी, तबीयत ख़राब है मैंने बताया था तो रेस्ट करना, डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए, तो मम्मी रेस्ट कर रही है। आप रेस्ट करिए और सारा काम हम करेंगे। मम्मी तो लग रहा है मैं उठ के कर लूँ, लेकिन हम करने नहीं दे रहे मम्मी को। ये देखिए चावल में पानी पसार दिया, सब स्टार्च सारा निकाल दिया, उसके बाद ये चावल बिल्कुल खिले खिले बने गए। ये देखिए भिंडी को धो के रख लिया है, इसकी भुर्जी बनाएंगे। भिंडी तो बहुत ही फ्रेश है, इसकी हम अच्छे से धो के रख लिया है। अभी अब सूख जाएगा, अभी इतना पानी सारा सूख जाएगा तो इसकी हम भुर्जी बनाएंगे। और इस तरह भिंडी को काट कर उसे तैयार किया जा रहा है भिंडी भुर्जी के लिए। तो हम बना रहे हैं भिंडी की भुर्जी। ऑयल में हमने जीरे का तड़का लगा लिया है, डालेंगे। अब प्याज को हमने क्या किया, उसे ज़्यादा नहीं भूना, उसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक भूना और अब उसमें भिंडी मिला देंगे। क्या डालेंगे इसमें? थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके ढक करके बैठा देंगे।
आंच मीडियम करके इस पे पानी का छिड़काव हो गया तो इसको बंद करके छोड़ देंगे। तो ये देखिए भिंडी की भुर्जी भी तैयार होगी, भिंडी की भुर्जी तैयार होगी, चिकन तैयार हो गया, चावल बन चुके हैं और चटनी पहले ही बन चुकी है, तो लंच तैयार है। तो फ्रेंड्स देखिए सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है और किचन का काउंटर भी सब क्लीन हो चुका है, सब साफ सुथरा हो चुका है किचन भी। तो फ्रेंड्स देखिए ये तैयार है हम लोगों का सारा चीज़, चिकन चटपट, भुर्जी, भिंडी की भुर्जी, राइस और ये चटनी और ये कढ़ी। तो अब सब लोग ये आम काट के रखा है। तो फ्रेंड्स अब सारी चीज़ें तैयार हैं,